मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में आया आपको लगता है तो उसके लिए 10 साल लगते हैं. अच्छा. एक तप की ज़रूरत होती है. मतलब हमारे जनरेशन के लिए, आप लोगों की जनरेशन के लिए नहीं. मुझे नहीं लगता है कि मेरे एज की महिलाओं के लिए उतने अच्छे रोल्स दिखे जा रहे हैं. मतलब एक हाथ गुल्लक जैसा आपको उदाहरण दिखेगा, एक हाथ. और आप लॉन्ग फॉर्मेट करोगे तो आपको कोई चारा ही नहीं है. लेकिन वुमेन लीड्स किस में है, मेरे एज की वुमेन लीड्स किस में दिखेंगे आप, तो बहुत कम है. थैंक यू गीतांजलि जी हमसे बात करने के लिए. ये न्यूज़ क्लिक है, हमारे शो का नाम एनसी हैंगआउट है और हम एनसी स्टैंड्स फॉर न्यूज़ क्लिक. अच्छा, ओके. कोई ज़्यादा मेहनत नहीं किया जी. तो गुल्लक में काम करके कैसा लगा, क्योंकि आप मराठी बैकग्राउंड से आती हैं, ऑब्वियसली आपने थिएटर किया है, लेकिन जो एक्सेंट पकड़ने वाली बात है ना, हम अक्सर देखते हैं कि कोई अगर जैसे ईस्टर्न यूपी या बिहार का एक्टर है, वो अगर मराठी कोई कैरेक्टर करता है तो कुछ तो आ जाता है जी. लेकिन 3 सीजन उसके हो गए हैं, बहुत तारीफ हो रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपने उसको किया है, तो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली यही कारण था कि मैंने वो रोल करने की कोशिश की, क्योंकि जब आजकल क्या हो गया है, कास्टिंग भी बहुत ही रीजनल हो गई है. मतलब पहले ऐसे नहीं होता था. आप अगर देखेंगे नसीर जी को कथा में उन्होंने मराठी कैरेक्टर किया है, या स्मिता पाटिल ने एक गुजराती मंथन में गुजराती, एक रूरल गुजराती वुमेन का कैरेक्टर प्ले किया है, या शबाना आजमी को भी आप देखेंगे तो अंकुर में उन्होंने कन्नड़ा औरत का रोल किया है. तो पहले ऐसे नहीं होता था और ये फिल्में देख के मैं बड़ी हुई हूँ, तो मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया था कि मैं चूंकि महाराष्ट्रियन हूँ तो मुझे मराठी ही रोल मिलेंगे. ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था. और अनदर थिंग वाज बिकॉज आई वाज एट एनएसडी, तो हम सब अलग अलग किरदार करते थे और अलग अलग बैकग्राउंड के किरदार करते थे, तो कभी ऐसे दिमाग में नहीं आया था. और कोर्ट के बाद मुझे सिर्फ मराठी बैकग्राउंड के ही रोल्स आने लगे ज़्यादातर. इसीलिए मैंने मुक्ति भवन नाम की एक फिल्म की थी, जिसमें अगेन इट वाज अ स्मॉल पार्ट, लेकिन वो नॉर्थ इंडियन मॉम थी. बनारस में फिल्म बेस्ड थी. जी. तो उसके बाद ऑफकोर्स वो बहुत ही छोटा रोल था, इसलिए कुछ ज़्यादा मुझे करने के लिए मौका नहीं मिला. लेकिन जब TVF के लोग आए, मुझे उन्होंने अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आप ही चाहिए और ये ईस्टर्न यूपी का जो ये एक्सेंट है ये भी चाहिए. तो मैंने कहा अच्छा. तो मैंने कहा मैं कोशिश करूँगी, आप देखिए, अगर मैं कर पाती हूँ तो हम आगे करते. क्योंकि बहुत मुश्किल था शूटिंग, क्योंकि बजट कम था और तब सोनी लिव इस पे नहीं था हमारे. हाँ, तब वो YouTube पर. या तो TVF का इंडिपेंडेंट ये था शो, तो इसकी वजह से निखिल के कारण, निखिल विजय के कारण, हमारे जो डायरेक्टर थे अमृत, उनके कारण मैंने, और जमील, वैभव, हर्ष, इन लोगों के कारण हमने बहुत वक्त दिया इस चीज़ को. 10 दिन हमने रिहर्सल की और मैं कंटिन्यूसली निखिल की रिकॉर्डिंग सुनती थी और उसकी वजह से तैयारी हुई. और फर्स्ट सीजन के बाद इतना उसको अच्छा रिस्पांस मिला, वो प्लेटफॉर्म पे भी आ गया, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ गया एज एन एक्टर कि ऐसा नहीं है चूँकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ कि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि यार ये मराठी एक्टर ने ये रोल किया. इनफैक्ट मुझे ऐसा है कि अच्छा आप महाराष्ट्रियन, क्योंकि उसके बाद लोगों ने मेरे बारे में सर्च करना शुरू किया और आज तक मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि आप महाराष्ट्रियन. और मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि आप हमेशा आपको एक चैलेंज करना चाहते हो. और फिर भी मैं, मतलब आई एम रियली एस्टोनिश्ड कि आज भी मुझे गलत किया, आप मराठी कर पाएंगी क्या? नहीं, कहा आपने गुल्लक देखी है. लेकिन यहाँ लोगों का एक स्टीरियोटिपिकल इमेज होता है और वो यहाँ वो मतलब आपको उससे वो तोड़ के आगे जाना एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है और वो बार बार प्रूव करना पड़ता है. तो ये हमने मेहनत ली और उसका हमें फल भी मिला. बहुत, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा फल मिला मैं कहूँगी. और वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो. और TVF की टीम ना बहुत काम करती है, अपने स्क्रिप्ट्स पे बहुत काम करती है. और स्क्रिप्ट
मुझे लगता है स्क्रिप्ट के कारण ही मैं कर पाई, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह लिखी हुई थी और इतनी रूटेड थी वो स्क्रिप्ट उस माहौल में कि मुझे एज एन एक्टर ये करना था कि मैं अच्छी तरह प्रैक्टिस करूँ, और मैंने वो की और उसके वजह से मुझे लगता है वो सब जम के आया, क्योंकि सभी लोगों ने उतनी मेहनत की थी। कोर्ट का कैसा था टाइम? कोर्ट जो फिल्म आपने 2014 में की थी, नेशनल अवार्ड मिला उस फिल्म को, बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत कम पहचानी जाने वाली फिल्म थी, लेकिन नेशनल अवार्ड मिल गया, बहुत अहम टॉपिक था जो उठाया गया था। उसका पूरा एक्सपीरियंस होता है, आपका कैरेक्टर ऑब्वियसली लॉयर का था, एंटी कैरेक्टर था। एब्सोल्युटली नहीं, क्या हुआ था कोर्ट के समय मैं नाटक ही करती थी, उसके पहले मैंने नाटक ही ज़्यादा किए थे, एक हाथ दो फिल्में यहाँ वहाँ, ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था। कोर्ट के समय सचित पुराणिक हमारे साथ काम कर रहे थे एज एन एक्टर, तो वो कास्टिंग भी कर रहे थे कोर्ट के लिए। तब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम एकदम परफेक्ट हो इस रोल के लिए, तो तुम स्क्रीन टेस्ट देने आ जाओ। तो मैंने चैतन्य से बात की, हमारी स्क्रीन टेस्ट हुई, आई वॉज नॉट हैप्पी विद द स्क्रीन टेस्ट। तो उसका प्रोसेस बहुत ही अलग था, वर्कशॉपिंग 6 महीने का प्रोसेस था ऑलमोस्ट, स्क्रीन टेस्ट का, स्क्रीन टेस्ट वर्कशॉप्स अलग अलग, और सिलेक्शन नहीं हुआ था। और इंडी फिल्म थी, तो पता नहीं था कि कब होगा, होगा कि नहीं होगा, उसका क्या होगा फिल्म का, पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मेरे पास टाइम था। टाइम होना कभी कभी अच्छी बात रहती है। मैं थिएटर करती थी तो काफ़ी समय होता था, तो मैं जब भी वक्त मिलता था, और उनका अगर वर्कशॉप हो या कुछ स्क्रीन टेस्ट के लिए, मतलब लेवल्स थे अलग अलग, तब मैं जाती थी उनके यहाँ, और आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट वर्कशॉप और स्क्रीन टेस्ट। अगस्त में हमारी प्रोसेस शुरू हुई और ऑलमोस्ट फेब्रुवरी में मेरा सिलेक्शन हुआ, और मार्च में हमने शूटिंग शुरू किया। चैतन्य बहुत ही, मुझे लगता है ही इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन। उनका काम, उनकी जो काम के प्रति धारणा है, उनकी जो क्लैरिटी है, उनकी जो मेहनत है, लगन है, जितना वो वक्त देते हैं, अनसीन, आई हैव नेवर सीन दिस। डिसाइपल फिल्म है, इट्स वेरी नाइस। और डिसाइपल गॉट वाज हिज फर्स्ट फिल्म, तो जो कॉन्फिडेंस एक फर्स्ट डेब्यू फिल्म मेकर में नहीं होता है, या डर लगता है, या इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, एक कोई कह देता है कि नहीं ये एंड ऐसे करो या ये, वो कभी ही नेवर डटर्ड, वो हमेशा आई वॉज सो श्योर ऑफ वॉट ही वॉन्ट्स। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक 7-8 महीने की प्रोसेस थी, तो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस मिला एज एन एक्टर। जैसे ना आप नाटक के लिए तैयारी करते हो या ड्रामा स्कूल में जाके अपनी तैयारी करते हो एज एन एक्टर, वैसे फिल्म स्कूल स्कूलिंग हो गई मेरी, क्योंकि उसके पहले का अनुभव इतना ज़्यादा नहीं था फिल्मों का, और फिल्मों में एक्टिंग करना एक अलग मतलब आपके आपका टेम्परमेंट अलग लगता है, आपको टेक्निकली बहुत पता होनी चाहिए चीज़ें। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है मेरा वर्कशॉपिंग हो गया, और बहुत ही मतलब ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी गुड, मतलब और उसको साथ मिली विवेक की, विवेक गोम्बर जो प्रोड्यूसर और एक्टर भी थे उस फिल्म में, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो चैतन्य फिल्म नहीं कर पाते, तो दैट डुओ वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और थैंकफुली मुझे वो स्क्रिप्ट अच्छी लगी, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, ये सब चीज़ें हुई, इसीलिए आई कुड बी पार्ट ऑफ इट। एनएसडी में कौन सा बैच था आपका? 1996 मेरे बैच में नवाज़, स्वानंद, सुब्रत दत्ता, चित्तरंजन त्रिपाठी, गीता त्यागी जो जेएनयू से हैं, कविता कुंद्रा, अनीता नेहा खालको जो रांची से ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हैं, निवेदिता भार्गव जो बहुत अच्छा गाती हैं, वो अभी काफ़ी काम कर रही हैं, तो ये सब मेरे बैच में। कैसा था एनएसडी का टाइम? क्योंकि मैं ये सुनता हूँ जो भी आपके मेरे ख्याल से अर्ली 2000s के बैच के लोग हैं कि यार बहुत लोग नहीं थे और बहुत अच्छे लोग नहीं निकले और ऐसे ही लोग थे, सिर्फ 4-5 सही लोग थे। अच्छा, तो कैसा टाइम था एनएसडी का, और एनएसडी के बारे में अभी अगर आपको कुछ सुनने में मिलता है या अभी आपको उसका काम देखती हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स का एनएसडी है, एफटीआईआई है, क्या डिफरेंस समझ में आता है अगर कुछ है तो? मुझे लगता है हर बैच यही कहती है कि हमारे वक्त अच्छा वाले था, या हम बहुत ये थे, या ना आगे वाले जन अभी इन लोगों को कुछ नहीं, तो अलग अलग ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए एनएसडी बहुत इम्पोर्टेंट था, आई कंसीडर इट एज माई रीबर्थ। अच्छा। क्योंकि जिस तरह के माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, जिस तरह का एजुकेशन मुझे मिला है, उससे बिल्कुल अलग किस्म की दुनिया मुझे देखने को मिली। कैसे? मैं बहुत ही
एक टिपिकल मराठी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो हमारे घर में जिस तरह का माहौल था वो बहुत ही आप मतलब क्या कहेंगे, एक सॉर्ट ऑफ आई वोंट से कंजर्वेटिव, लेकिन फिर भी एक कन्वेंशनल कन्वेंशनल फैमिलीज की आप नौकरी करो, एकेडमिक्स करो, इवन आई थिंक एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड, एक टिपिकल सोच थी दुनिया को देखने की, जो मुझे लगता है थोड़ी बहुत एक्सक्लूसिव होती है ना, क्योंकि आप एक समाज से आते हो तो आपको लगता है कि हाँ हमारी चीज़ें हैं वही सही हैं, हम जो भाषा बोलते हैं वही सही है, हम हमारे जो खाने पीने की आदत है वही सही है और यही होना चाहिए. यू आर वेरी इंसिस्टेंट ऑन दोज थिंग्स. सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इसकी जो समझ थी वो बहुत ही सीमित थी, जो मुझे NSD में जाके मुझे लगा कि नॉट जस्ट एज एन आर्टिस्ट एज एन एक्टर लेकिन एज ए ह्यूमन बींग आई चेंज्ड. और मुझे जो दुनिया का लिटरेचर या दुनिया के जो आर्ट के बारे में जो ख्याल हैं, बड़े थिंकर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली, आर्टिस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, हमारे जो टीचर्स थे रॉबिन दास, निभा जोशी, अनुराधा कपूर, कीर्ति जैन, देव महापात्रा, सो प्रसन्ना सर, ये डायरेक्टर आते थे, तो इन टीचर्स ने हमें इतना अच्छा सिखाया कि वो मुझे आज तक, मैं आज 50 साल की हूँ, मैं 20 साल की तब थी तब मैं NSD गई थी, तो 30 साल तक मुझे आज भी आई फील सो फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ NSD. तो मुझे बहुत ही वो 3 साल सीखने को मिला, काम करने को मिला. आई वॉज अ नोवाइस, मुझे ये पता था कि लाइनें याद करनी होती हैं और इमोट करना होता है, एक्टिंग यानी इतना ही पता था. मुझे ये नहीं पता था कि एक्टिंग करने के लिए, कैरेक्टर निभाने के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ता है, इतना रिसर्च करना पड़ता है. ये सब मैंने NSD में आके सीखा और बहुत ही अच्छे लोगों ने सिखाया और वो आज तक मेरे जहन में है. और वो जो अप्रोच है टुवर्ड्स एक्टिंग, टुवर्ड्स थिएटर, टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स लाइफ, ये मुझे NSD में सीखा. कैसा था घर पे, कन्वेंशनल परिवार ने इसको एक्सेप्ट किया आसानी से कि आपको एक्टिंग करनी है? ऐसा तो कभी नहीं होता है. एक फायदा था, चूंकि मैं मराठी फैमिली से हूँ तो हम नाटक हमेशा देखते थे, नाटक देखते थे, पढ़ते थे, और रिस्पेक्ट था. ऐसा नहीं था कि रिस्पेक्ट नहीं था, लेकिन प्रोफेशन नॉट एज अ प्रोफेशन, आप वो हॉबी करके रखिए, गणपति में या कभी कोई फंक्शन हो तब एक नाटक करिए और चुपचाप अपना कुछ छोटा मोटा जो कोई जॉब है वो करिए. तो ऑफकोर्स पेरेंट्स वर नॉट अग्रींग ऑन दैट, बट थैंकफुली NSD हैड स्कॉलरशिप. और मुझे हमेशा लगता है स्कॉलरशिप्स आर सो नेसेसरी. हाँ, जो आजकल बोलते हैं कि स्कॉलरशिप्स नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट्स का मिसयूज करते हैं, तो आई कम्प्लीटली डिसअग्री विद दैट नैरेटिव. मुझे लगता है स्कॉलरशिप्स, इवन मतलब आई एम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, देन ऑल्सो आई नीड स्कॉलरशिप, क्योंकि मैं वो स्टैंड ले सकी अपने पेरेंट्स के आगे. आई वॉज एन अडल्ट, आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, मैं वो स्टैंड ले सकी चूंकि मुझे गवर्नमेंट ने ये दिया था, एड दिया था. तो छोटा सा था वो अमाउंट, लेकिन आई कुड सर्वाइव ऑन दैट मनी. तो उसकी वजह से मैं बोल पाई मैं जा रही हूँ. और फिर वो माँ बाप तो बेचारे प्यार करते हैं तो कहते हैं ठीक है, अब तुम कह रही हो तो हम मानते हैं, लेकिन दे वर नॉट फॉर इट. कब उन्होंने कभी किया है एक्सेप्ट? अभी तक किया है? हाँ, कर लिया. अब उसके बाद क्या था फिर? आपने आके थिएटर किया? हाँ, बहुत थिएटर किया. फिल्म्स तक पहुंचने का आपने शुरू से सोचा था या वो होते होते हो गया? मैंने शुरू में तो मैं चाहती थी कि मैं सब करूं, मतलब क्योंकि चूंकि पैसे ही नहीं थे बिल्कुल, तो जो काम मिले उसमें से पैसे कमाना बहुत ज़रूरी था. तो मैंने TV, फिल्म्स, नाटक, जो मुझे काम मिलता गया मैं करती गई. लेकिन आफ्टर पॉइंट मैं 96 में पास आउट हुई, 3 साल बाद मुझे समझ में आया कि थिएटर इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट टू डू, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे कम्फर्टेबल था. तब ये इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, तो लोगों के ऑफिस में जाना, वो फ़ोटो देना, पता नहीं आपको काम कौन सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा, एक्सेस नहीं था, उतना स्मार्टनेस नहीं था, वो जो एक पर्सनैलिटी होती है वो मेरे पास नहीं थी कि मैं जाके किसी से भी बात करूँ और ये करूँ. ऑकवर्ड लगता था, पता नहीं था लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ये सब डर होता था. तो देखा नहीं था कभी ना ऐसे किसी को काम करते हुए. हमारे घर में सब नौकरी करने वाले इंटरव्यू देख के ना, जो ऑफिशियल चीज़ें होती है,
ऐसे लोगों को इम्प्रेस कैसे करे और कैसे काम मिला, ऐसा तो कोई ये नहीं था, टूल्स नहीं थे वैसे. तो आई फेल्ट थिएटर इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसमें रिहर्सल होती है, आपको रिहर्सल करके आपको सिलेक्ट किया जाता है वगैरह वगैरह. तो और मराठी नाटक ज़्यादा किए क्योंकि वो माहौल पता था. और परेश मुकाशी के साथ मैंने नाटक किया, जिन्होंने हरिश्चंद्रा जी फैक्ट्री, अगर आपको पता होगा, जिनकी फिल्म ऑस्कर के लिए, एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर एंड वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, उनके साथ मैंने एक नाटक किया था, मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाड़ी, वो जो मराठी कमर्शियल नाटक था, उसके हमने 500 शोज़ किए. और सब टीम ऐसे नई थी, तो सब मतलब प्रोड्यूसर भी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर, फर्स्ट टाइम कमर्शियल डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम एक्टर्स जो कमर्शियल नाटक में काम कर रहे हैं. और नई स्क्रिप्ट थी, लिखी गई थी. हाँ, नई स्क्रिप्ट थी. तो बहुत ही बढ़िया वो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि 3 साल तक मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र घूमती रही विद द शो. मराठी कमर्शियल नाटक बहुत स्ट्रॉन्ग है आज भी. और जो जिसका बहुत फ़ायदा एक्टर्स को होता है, क्योंकि 500 बार आप जब स्टेज पर जाते हैं तो आप एक किस्म का कॉन्फिडेंस और एक किस्म का क्राफ्ट आपका डेवलप हो जाता है. तो मैंने 2-3 नाटक परेश के साथ किए जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. फिर उसके बाद एक काफ़ी लल आया, मुझे मराठी नाटक नहीं मिल रहे थे कमर्शियल. आई नेवर गॉट द रीज़न वाई, बट गुड दैट इट डिडंट हैपन. फिर मैंने अपना एक नाटक प्रोड्यूस किया एक्सपेरिमेंटल, और मैंने काम भी किया उसमें. उसमें उसकी वजह से मुझे और समझ में आया कि मैं ऐसी एक्टर हूँ जो कोई भी नाटक मुझे मिले और मैं कर दूँ, ऐसा नहीं है मेरे साथ. परेश की एक सेंसिबिलिटी थी, परेश का एक लिटरेचर का अभ्यास था, एक वर्ल्ड व्यू था उसको, तो उसकी वजह से मैं काम कर सकी उनके साथ या उनके नाटकों में. तो उसके बाद मैंने चूज़ किया कि आई विल वर्क व्हेन आई रियली फील कि ये नाटक में या ये इन लोगों के साथ मैं काम करना चाहती हूँ. और फिर मेरा एक्सपेरिमेंटल हिंदी नाटकों का दौर शुरू हुआ, सुनील शानबाग, मानव कौल, अतुल कुमार, मोहित टकलकर के साथ मराठी प्ले. और उसी दौरान मुझे कोर्ट नाम की फिल्म, लेकिन उसके पहले मैंने जो कुछ काम किया था फिल्मों में या टीवी पे, वो सिर्फ पैसों के लिए किया था. और एक बहुत अच्छी चीज़ तब हुई, मैं आई स्टार्टेड वर्कशॉपिंग. अनिरुद्ध खुटवड़ हमारे एनएसडी के ही हमारे सीनियर थे, उनकी वजह से मैं वर्कशॉप्स लेती थी एक्टिंग के. एनएसडी के भी काफ़ी वर्कशॉप्स लिए. फिर ड्रामा स्कूल मुंबई जो अभी हैं, जहान मानिक शॉ के साथ मैंने काम किया, उसकी वजह से मुझे थोड़े पैसे मिलने लगे, बिकॉज ऑफ विच आई कुड डू ऑल दीज एक्सपेरिमेंटल प्लेस जिसमें पैसे नहीं मिलते थे. अब बुलाते हैं एनएसडी वाले? नहीं, ज़्यादा नहीं. कभी कभार बुलाते हैं जो टीचर्स पहचानते हैं या कभी. तो अब मैं भी ना ज़्यादा कभी कभी बोलते कि अगले महीने आ जाओ, तो ऐसे नॉट नेसेसरी टाइम होता है तब. लेकिन मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स किए थे, आसाम में एक वर्कशॉप किया था, सोलापुर में किया था, कणकवली में किया था, अभी बीच में एक पिछले 1-2 बार बुलाया था मुझे, लेकिन आई वाज शूटिंग तो आई कुडंट गो. पिया बह रुपिया के बारे में बात करते हैं हम. तोष नागपाल का नाटक है, अभी मेरे ख्याल से बेंगलोर में शो हुआ था रिसेंटली. क्या है पूरा नाटक, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा तो है ही उसकी. और वो मैं कई लोगों से, मुंबई में, दिल्ली में, कई लोगों को मैं से जानता हूं जो की तारीफ करते हैं, तो उसके बारे में, उनके साथ काम करने के बारे में. अतुल कुमार और अमितोष नागपाल, इन्होंने मतलब अतुल कुमार ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, अमितोष ने अडेप्ट किया है. हमने 11 साल पहले नाटक शुरू किया, ग्लोब थिएटर में इसका ओपनिंग हुआ, जहाँ पे शेक्सपियर के 37 नाटक आए थे, 37 भाषाओं में. तो उसमें हम परफॉर्म कर रहे थे, तो इट वाज वेरी फिनोमिनल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर इंडिया आल्सो, वी वर प्राउड टू रिप्रेजेंट इंडिया. तो हमें लगा था कि इसके ना 2-3 शोज़ हो जाएंगे, वहाँ पे बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो हमको रिस्पांस मिला उस नाटक को, अमितोष ने बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है, उसका अडेप्टेशन किया है. शेक्सपियर का जो क्रक्स है वो भी उसमें रखा है, प्लस लोगों तक कैसे वो पहुँचे, एक्सेसिबल कैसे रहे, इसका भी मतलब ये रखा है उसने. क्योंकि उसकी भाषा ऐसी है ना कि वेरी मतलब फ्लूइड है, फ्लूइडिटी है उसकी भाषा में, तो एकदम इजीली वो ट्रैवल करती है वो. तो और हमारा एंसेंबल बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर एक जना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर, गगन सिंह, देव रियार, मानसी मुल्तानी, नेहा सराफ, सागर देशमुख, तृप्ति खामकर,
हमारे जो अमोद सर हैं, जो हमारे म्यूज़िक टीचर हैं और हारमोनियम प्लेयर हैं, वो हमारा रियाज लेते हैं. राहुल शर्मा जो हमारे पर्कशनिस्ट है, मतलब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक ही आदमी बजाता है. तो ये सब हमारा जो पूरा एंसेंबल है बहुत ही मतलब वे आर वेरी गुड एक्टर्स एंड आर्टिस्ट देमसेल्स. तो उसकी वजह से जो एनर्जी मिलती है, उसकी वजह से ये शोज़ हो पाए हैं इतने साल तक. और बहुत ही सराहा गया, ना ही भारत में, लेकिन हमने बहुत सारे शोज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड किए, मतलब चिली से लेके कोरिया तक हर जगह हम गए हैं. और बहुत ही अच्छा प्ले है. मुझे करते समय, मतलब मैंने जब शुरू किया नाटक तब मैं 38 थी, आज मैं 50 हूँ. तो 12 साल एंड आई प्ले 16-year-old गर्ल बॉय. तो मुझे मज़ा इसलिए आता है क्योंकि चैलेंजिंग है मेरे लिए. और अतुल कुमार बहुत ही क्या कहते हैं ना, मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन आपको बहुत ये करते कि अच्छा तो ये नहीं कर पाई तुम, अच्छा तुम्हारी एज हो गई है क्या, अब क्यों नहीं कर. तो वो आपको पुश करते हैं एज एन एक्टर, एंड ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड एक्टर. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप भी पुश करते हो अपने आप को कि नहीं, मेरे शोज आने वाले हैं तो आई हैव टू एक्सरसाइज, हैव टू डू माई रियाज और ये सब. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. बहुत अच्छा, बहुत कम बार आपको इतना प्यार मिलता है लोगों से नाटक के लिए स्पेशली, कि लोग 15-15 बार देखने आते हैं. हम परसों बैंगलोर में शो कर रहे थे, एक शो कैंसिल हुआ क्योंकि 2-3 एक्टर्स बीमार थे. तो स्टेज पे गद्दे लगाए, लोग स्टेज पे आके बैठे थे, हम उनके सामने, मतलब इतना क्या काम मिलता है. लोग आज के ज़माने में जहाँ मोबाइल में गढ़े रहते हैं, स्क्रीन के आगे घर पे बैठे रहते हैं, उस समय इतना टाइम निकाल के. दिल्ली में हमारे शोज हुए, हाउसफुल हुए, इतनी बारिश थी, लोग आए. तो जब लोग कहते हैं AI और क्या चैट GPT और ये सब, तो मुझे लगता है कि ये कैसे हो गया. तो ये नाटक का जादू है. और नाटक ऐसी विधा है, मुझे लगता है, जो बहुत ही क्या कहते हैं, जीवंत कला है. तो वो नहीं कभी जाएगा, ऐसा मेरा मानना है. पता नहीं, आपकी प्रेफरेंस है थिएटर? अगर अभी बहुत ही ऐसे ऐसा ये हो गया कि आई स्टार्टेड लविंग सिनेमा ऑल्सो, स्क्रीन ऑल्सो, बट माई ट्रू लव इज थिएटर. क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इसमें, क्योंकि मुझे पता है, मैंने फिल्म एक्टिंग सीखी नहीं है, मैंने थिएटर एक्टिंग सीखी है. तो मुझे वो ये पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है. वो माहौल मुझे पता है. वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो जो रिहर्सल का टाइम है. आई एम अ वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन. तो मुझे लगता है कि वो जो एक महीना आप देते हो उस चीज़ के लिए, उससे आपको, आप वो सच ढूंढते हो. और मुझे और एक रियलाइज़ हुई है, कुछ मैं कुछ काम कर रही थी उस समय, कि रादर देन इम्पैक्ट आई एम मोर कंसर्न अबाउट द ट्रूथ. अच्छा, ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ है. कि शायद आपको वो पसंद ना आए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने वो सुर हिट किया है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मैंने वो सुर हिट किया है और आपको पसंद ना आए, आई डोंट माइंड. ऐसा मुझे समझ में आया, विच इज़ नॉट वेरी गुड. आजकल के ज़माने में सब इम्पैक्ट चाहिए, लेकिन पर आपको समझ में आ जाता है कि ये मैंने ये हिट कर दिया. हाँ, क्योंकि नहीं किया होता है तो बहुत तकलीफ होती है. अच्छा, बहुत तकलीफ होती है, बहुत अंदर से सेल्फ, आई एम क्वीन ऑफ सेल्फ डाउट. तो मैं हमेशा ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसा करना चाहिए. कौन सा काम किया था आपने जब आपको लगा कि हाँ यार सिनेमा में काम करके मज़ा आ रहा है? और एक्चुअली बहुत कोर्ट में ही काम करते हुए पता चला था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, बिकॉज समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ. वॉर रूम नाम की मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी अय्यप्पा के साथ, तसद्दुक हुसैन उसके कैमरा पर्सन थे. ये अमेजोन के लिए सीरीज हुई थी, अनपॉज नाम की, अनपॉज नया सफर. तो उसमें एक कोविड वॉरियर के बारे में वो स्टोरी थी. उस फिल्म के दौरान मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि आई एम एंजॉइंग. क्योंकि उस समय जिस तरह अय्यप्पा का एक्चुअली काम करने का ढंग भी ऐसा है कि बहुत ही कोलैबोरेटिव काम करते हैं, बहुत आपको सवाल पूछते हैं, आप कैसा करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, बहुत उनका कंट्रीब्यूशन आपसे वो मांगते हैं. और एक बात, वक्त दिया था काफ़ी. और एक बात, 10 साल हो गए थे कोर्ट करके. तो मुझे लगता है वो प्रोसेसिंग के लिए आपको, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में आया, आपको लगता है, तो उसके लिए 10 साल लगते हैं. एक तप की ज़रूरत होती है.
मतलब हमारे जनरेशन के लिए, आप लोगों की जनरेशन के लिए नहीं, आप 10 दिन में सीख जाते हो सब. कुछ नहीं सीख रहे. हाँ, तो कोर्ट से आपको मजा आना शुरू हुआ था. कोर्ट में मुझे पता चला, वॉर रूम से मुझे मजा आना शुरू हुआ ऐसा मुझे लग रहा है. समझ में आएगा क्या काम कर रहे उसे. कैसा लगता है मुंबई शहर? बचपन से आप रहे यहाँ पे, दिल्ली में कुछ टाइम तक 3-4 साल तक रहे थे, बट कैसा लग रहा है, क्या है मुंबई? और मुझे लगता है कैसा शहर है. बहुत अन्याय कर रहे हैं हम इस शहर पे. बहुत ज़्यादा लोग एक ही शहर पे डिपेंडेंट है. मुझे जब तक मैं दिल्ली नहीं गई थी तब मुझे लगता था कि मैं मुंबई के बिना जी नहीं पाऊंगी. हाँ. जब मैं दिल्ली गई तो मुझे ऐसा था कि नहीं, दुनिया में और भी जगह है जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, जहाँ पे बड़े बड़े रोड्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, तो जहाँ की सर्दियाँ बहुत खूबसूरत लगती है मुझे. तो ये चस्का जो है जो NSD में जाके लगा कि अलग अलग शहरों में रहना चाहिए. और इसीलिए मुझे लगता है मुझे नाटक बहुत अच्छा लगता है, या ये काम मेरा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग जगह जाके रहती हूँ. एक एक महीना, दो दो महीना हमारा शूटिंग कभी कभी होता है. तो मुंबई मुझे बचपन में बहुत अच्छा लगता था. आई थिंक इवन इट्स वेरी सेफ इवन टुडे. वो चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं तो शोज़ करके 1:30-2:00 बजे कभी भी आई हूँ, लेकिन कभी भी मुझे बहुत कम बार ऐसे हुआ है कि ऐसे वारदात हुआ है कि बाप रे मुझे अनसेफ लगे. तो बचपन से जब मैं कॉलेज में थी या, तो ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन अभी मुझे लगता है बहुत महंगा हुआ है शहर. बेसिक ह्यूमन राइट्स वायोलेशन ही लगता है मुझे, जब मतलब पॉवर्टी इज़ बेसिक वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आई फील. कि आपको रहने के लिए डिसेंट जगह नहीं, स्कूलिंग नहीं, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं, आप बहुत ग्रांटेड लेते हो लोगों को, ऐसा मुझे लगता है. एंड एनवायरमेंटली तो आप बहुत ही हानि कर रहे हो. इस छोटा सा ये क्या कहते हैं आइलैंड है, जिसको हम इतना यूज़ कर रहे हैं. तो मैंने एक गांव में छोटा घर लिया है. अच्छा. मतलब बनाया है खुद, जहाँ पे बच्चों के साथ काम करती हूँ. कहाँ पे गांव है ये? 2-2.5 घंटे. अच्छा. दूर है, पाड़ा तालुका है, और जहाँ पे आदिवासी बच्चों के साथ मोस्टली, और कुछ जो मतलब SC ST ऐसे जो ग्रुप है उसके अलावा भी और कास्ट के लोग हैं, क्योंकि गांव में वैसा ही क्या कहा जाता है, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ. क्योंकि जो बच्चे हैं उनके माँ बाप स्कूल भी नहीं गए हैं, दे आर फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स. तो उनके साथ मैं काम करती हूँ, ताकि उनको पढ़ाई लिखाई और नाटक के द्वारा अगर इसको बताया जाए तो शायद उनको मज़ा आएगा, ऐसा मुझे लगता है. तो देखते हैं क्या होता है, 10 साल में पता चलेगा. 10 साल. तो वो काम कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ जाके. वहाँ पे मैं थोड़ा क्या कहते हैं अपनी सब्जियाँ उगाने की कोशिश करती हूँ. कुछ थोड़ा बहुत वहाँ के महिलाओं के साथ कुछ हम देखते हैं, कुछ काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसे ढूंढ रहे हैं. पता नहीं अभी, पता नहीं अब, और 10 साल में पता चलेगा. एक्चुअली पहले मैंने 10 साल एक NGO के साथ काम किया. okay. जिसमें हम आदिवासी स्कूल्स में जाके परफॉर्म करते थे नाटकों को. गोष्ठरंग नाम का एक प्रोजेक्ट था. हाँ. लेकिन मुझे अभी लगता है कि NGO के साथ या कोई ना एक सिस्टम के साथ काम करने के अलावा मुझे लगता है कि मैं 10 लोगों के साथ काम करूं तो ज़्यादा असर होगा उसका, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि आप सिस्टम में करो ना तो अगेन इम्पैक्ट ज़्यादा वो देखते हैं. नंबर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, क्वालिटी अफेक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है. तो मुझे लगता है एक आप जिनके साथ रोज़मर्रा बात कर सकते हो, आप देख सकते हो उनकी डेवलपमेंट या उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ ऐसे माहौल में. तो मैं 10-12 बच्चों के साथ काम कर रही हूँ अभी. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज, अगर हम महिला एक्ट्रेस की बात करें, तो एज बढ़ते बढ़ते के साथ साथ काम कम होता जाता है, ऐसा हमेशा से होता आ रहा है. इस समय पर आपको ये महसूस हो रहा है कि ऐसा हो रहा है लोगों के साथ, आपके फेलो एक्टर्स के साथ या आपके साथ? हाँ, काम तो कम ही है. मतलब अभी आपको बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म लग रहा है कि काफ़ी काम है. हाँ, बट लेकिन जिस रेशियो में लोग हैं उस हिसाब से काम कम ही है. और स्पेशली मुझे नहीं लगता है कि मेरे एज की महिलाओं के लिए उतने अच्छे रोल्स दिखे जा रहे हैं. मतलब एकाध गुल्लक जैसा आपको उदाहरण दिखेगा, एकाध. और आप लॉन्ग फॉर्मेट करोगे तो आपको कोई चारा ही नहीं है. लेकिन वुमेन लीड्स किस में है, मेरी एज की वुमेन लीड्स किस में दिखेंगे आप? तो बहुत कम है. या फिर होंगी तो आप वो स्टार्स को ही फिर से ले रहे हैं. तो ये जो पहले से जो ये था ना
एक कहा जाता था कि OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद सब बदलने वाला है, मुझे ऐसा पहले से नहीं लग रहा था और वही सच हो रहा है आज भी. आप देखेंगे तो जो ऑल बिग फिश आर गेटिंग बिगर रोल्स, स्मॉल फिश वैसे ही है. इवन इन OTT ना, यार आप मराठी फिल्मों को देखो, कहाँ है मराठी फिल्में OTT पे. कॉर्ड भी 3 साल के बाद उसका लाइसेंस खत्म हो गया था, तो डिसाइपल चूंकि आ गई फिर से तो उन्होंने ये किया, रिन्यू किया कॉन्ट्रैक्ट. मुक्ति भवन जो फिल्म है, जो उसको नेशनल अवार्ड है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड है, काफ़ी सारे अवार्ड, वो अलग अलग इसमें मतलब प्लेटफॉर्म्स में घूमती रहती है कि यहाँ का ख़त्म हो गया वहाँ का. या आप किसी भी बड़े ब्लॉकबस्टर को देखो, उसका ऐसे होता है नहीं होता. एंड उनको रिवाइव कर रहे हैं लोग, देयर इज अ वैलिड रीजन बिकॉज उनका, मैं अगर एक स्टार को लेती हूँ तो मेरा सब्सक्रिप्शन फट से बढ़ेगा. कोई भी मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म यही सोचेगा, विच आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट. बट ये हम इस भ्रम में ना रहे कि अभी बहुत अच्छा मतलब समय आया है. इंडिपेंडेंट फिल्म को उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइटर्स को उतना ही स्ट्रगल, एक्टर्स को उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा टू प्रूव देयर मेटल. तब तक नहीं होगा. और मेटल, इवन इफ यू प्रूव योर सेल्फ, नॉट नेसेसरीली यू विल गेट गुड रोल्स और यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है. जब आप इंडस्ट्री के तो ऐसे ही होता है मुझे लगता है. जब आप इंडी काम करोगे, अपनी खुशी के लिए काम करोगे, कैसे भी आप ना अपना अपना एक जुगाड़ करके एक फिल्म बना लोगे, तो वहाँ पे शायद आप जो चाहे काम कर सकते हो या लिख सकते हो अपने लिए. वेरी डिफिकल्ट. कोई है जिसके साथ काम करने का मन है कि यार इसके साथ काम करना है? हाँ, बहुत लोगों के साथ काम करने का मन. मुझे तो एक बहुत अच्छी कमर्शियल फिल्म करनी है. हाँ, मतलब, किसके साथ? मुझे लगता है मुझे विशाल भारद्वाज का काम बहुत अच्छा लगता है, मेघना गुलजार का काम अच्छा लगता है. तो इंडी फिल्म मेकर्स हैं वो, बस ज्यादा पैसा है उनके, उनकी फिल्मों में. वो ही अभी करना है. स्टार्टअप्स बहुत कर लिए मैंने. मुझे कोई भी इंडी फिल्म मेकर आता है या जो स्टार्टअप्स मतलब नया प्रोजेक्ट, कि यू हैव बीन वेरी लकी फॉर ऑल द स्टार्ट मतलब डेब्यू डायरेक्टर्स. तो मैंने कहा मुझे कोई लक दो लाके. तो या सो या मुझे करना है, क्योंकि मैं ना अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि मिडिल क्लास, अब मुझे लगता है मैंने जीवन देख लिया. मैंने खुद, मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, मैंने वो जीवन देख लिया. जो अंडर प्रिविलेज्ड, जो इकोनॉमिकली जो ये होते हैं, वो भी मैं काफ़ी रोल्स सर में मैंने काम किया है. मैंने काफ़ी रोल्स किया, वो भी मैं कर पाऊँगी मुझे पता है. अब मुझे कुछ ऐसे करना है जो बहुत ही एलीट क्लास हो, कोई ना मतलब बहुत ही स्टाइलिश, जो दुनिया मैंने देखी नहीं है. मैं वो दुनिया देखना चाहती हूँ और मैं करना चाहती हूँ कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी पता नहीं मुझे. तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट. तो मुझे बिग बजट करना है काम, क्योंकि आपको आपको नॉट जस्ट फॉर ग्लैमर सेक, आपको भी समझ में आता है कि आप उसमें फिट होते हो कि नहीं होते हो. जैसे थिएटर में मैं बिल्कुल फिट होती हूँ, आप मुझे ये उठाने को बोलिए, वो अपना कॉस्ट्यूम खुद आयन करने को बोलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप मुझे इंडी फिल्म के इसमें डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप एक ना 18 घंटे मेरे से काम करवाइए, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं. लेकिन क्या मैं ऐसे एक बिग बजट या एक फॉरेन कोलैबोरेशन या कुछ ऐसे इसमें मतलब बड़े जिनके बजट मसाला बॉलीवुड फिल्म, नॉट मसाला मतलब मतलब कैसे भी मतलब उसमें मैं फिट होती हूँ कि नहीं होती हूँ उस नैरेटिव, उस स्टोरीज में, उस माहौल में. आई वॉन्ट टू सी वेदर आई कैन वर्क इन दैट एटमोसफियर और नॉट. तो अभी आपने अपना काम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया है, कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास, उनके ऑफिसेज में? नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ही, आई एम नॉट गुड एट इट एट ऑल. अभी भी नहीं? अभी भी नहीं. मेरे ये हैं मैनेजर्स, लेकिन मुझे लगता है क्या कहते हैं वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है, इनेगा मैनेजमेंट कंपनी मेरा काम देखती है. लेकिन मुझे लगता है उनके पास भी ना कोई सोल्यूशन नहीं है. अपने यहाँ पे वैसे चीज़ें नहीं वर्क होती, ऐसा मुझे लगता है. दे मैनेज मी वेल आफ्टर आई गेट द वर्क. ओके, बट टू गेट वर्क आई डोंट थिंक, अभी तक मैंने तो नहीं देखा किसी को. इवन मैंने जो मेरे एक्टर्स आसपास देखे हैं, एवरीबडी हैज़ गॉट देयर वर्क बिकॉज ऑफ देयर मतलब नेम और वॉट एवर वर्क दे हैव डन. उन दूसरे मतलब मैनेजमेंट कंपनी काम लाया है, ये मैंने तो नहीं देखा अब तक.
मतलब मैंने बहुत सारे मेरे कलीग्स को पूछा है, मुश्किल है और वो उनके लिए भी मुश्किल. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सिस्टम ही नहीं अपने यहाँ जो हॉलीवुड में या यूरोप में या आपको दिखेगा कि कास्ट आपके जो एजेंट्स हैं वो आपके लिए काम लाते हैं. ये आप वो इतने एम्पावर्ड ही नहीं है एजेंट्स. तो अब बताइए आने वाले दिनों में क्या देखने वाले हैं. गुल्लक आ रहा है सीजन 4 लिखा है ऐसा मैंने सुना है. अच्छा. लेकिन अभी तक हमको कुछ पता नहीं चला, हमारे से डेट्स नहीं लिए. आई विश दे डू इट. सिलेक्शन डे आ रहा है? सिलेक्शन डे नहीं आएगा, वो हो गया ना? वो हो गया. मून वॉक करके मैंने एक सीरीज किया है जिसमें मैं वूट पे आएगी वो, जिसमें मैं कॉन मदर हूँ, मतलब जो ठगती है लोगों को. तो मुझे बहुत मजा आया वो करने में. एक लंपन नाम की मराठी सीरीज है जो सोनी लिव पे आएगी. अच्छा. जो एक बहुत ही मतलब हमने यंग एज में पढ़ा हुआ एक नॉवल है जो चाइल्डहुड मालगुडी डेज जैसा है. अच्छा. तो उसमें मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, वो जो छोटा बच्चा है उसकी नानी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. बहुत मज़ा आया. निपुण धर्माधिकारी डायरेक्टर है उसके, एंड इट्स अ ग्रेट लिटरेचर पीस. तो हम सब बहुत हमने पढ़ा हुआ है इसलिए हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो वो अलग अलग भाषाओं में सोनी लिव ला रही है, मतलब हिंदी और हिंदी का डबिंग हमने ही किया है मेन एक्टर्स ने. मराठी है ओरिजिनल. मैंने तमिल तेलुगु में भी लाया, तमिल तेलुगु में. लेकिन हिंदी का डबिंग सब मेन एक्टर्स जो हैं, क्योंकि मराठी लोग हिंदी बोल पाते हैं तो उन्होंने किया. और वो उनको मराठी वाली ही हिंदी चाहिए थी क्योंकि वो फ्लेवर चाहिए था. तो सब लोगों ने काम किया है. तो लंपन है, ये मूनवॉक है. अभी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ की, लेडीज़ हॉस्टल नाम की, अमेजोन के साथ. इट्स अ हॉरर सीरीज़, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट जिसमें मुझे लगता है 15-20 महिलाएं हैं अलग अलग किस्म की, अलग अलग जगहों से. एंड बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे, पंकज कुमार. अच्छा. जो तुम्बाड़ के DOP थे, हैदर के भी DOP थे. स्मिता सिंह करके जो राइटर हैं, जो आई थिंक सीक्रेट गेम्स और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ लिखी हैं. सूर्या करके को डायरेक्टर हैं वो, उन्होंने भी बहुत अच्छा दो तीन एपिसोड्स उन्होंने डायरेक्ट किया. तो बहुत अच्छी टीम थी वो और बहुत अच्छे एक्टर्स थे सब. या मतलब एकदम यंग एक्टर्स से लेके ना मेरे जैसे उम्र के लोग, मतलब शालिनी वत्सा है उसमें जो टिपली लाइव में थी. हाँ, हाँ, हाँ. तो मैं हूँ, रजत कपूर हैं. तो ऐसे अलग अलग एज ग्रुप के एक्टर्स हैं और बहुत ही मज़ा आया वो काम करते हुए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन अब भी शूट ख़त्म हुआ है उसका. ओके, तो वो आने में काफ़ी समय लगेगा. चलिए, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आप उनसे बात किया आपने. थैंक यू. ये हमारा कैमरा है, ये है, ये है, ये है, ये है. हाँ. और हमारे चैनल का नाम न्यूज़ क्लिक है. हाँ. और आप अगर बोलना चाहें कि लोग हमको सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी है तो आप बोल दीजिए जी. और अगर खराब लगी है तो लोगों से बोल दीजिए कि अनसब्सक्राइब कर दो. ऐसा तो नहीं बोलूंगी. नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि कुलकर्णी है. अभी मैंने newsclick.in के लिए इंटरव्यू दिया और सत्यम ने बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू लिया मेरे साथ और मुझे मज़ा आया. मैं आपको दरख्वास्त करूंगी कि आप newsclick.in ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें.